नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। मॉनसून स्टार्ट हो चुका है और वैसे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मॉनसून में पावर कट की, और ये पावर कट अगर रात में हो जाता है तो प्रॉब्लम जो है वो और भी ज्यादा हो जाती है। और वैसे में हम लोग क्या करते हैं, हमारी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके हमारा काम जो है वो पूरा करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये इन्वर्टर LED बल्ब, तो इस वीडियो में जानते हैं इसकी पूरी डिटेल, तो चलिए देखते हैं। तो ये इसका मेन बॉक्स और बॉक्स के ऊपर यहाँ पे CNS इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, जो कंपनी का नाम है, स्टैंडर्ड कंपनी है। और यहाँ पे नीचे की तरफ इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि इसका जो बैकअप है वो 4 घंटे का है, और इसके अंदर जो बैटरी दी गई है वो 2200 mAh की है, और इस बैटरी को आप 500 बार चार्जिंग कर सकते हो। और 3.5 kW का इसके अंदर प्रोटेक्शन है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो जाने के बाद भी ये बल्ब जो है वो ख़राब नहीं होगा। साइड में इस बल्ब की फ़ोटो दी गई है, और 9 W का ये बल्ब है, इन्वर्टर बल्ब। और पीछे की तरफ भी कुछ डिटेल्स दी गई है, जहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, email ID लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ल्यूमिनस भी दिया गया है। 900 ल्यूमिनस की रोशनी जो है वो ये बल्ब देता है। इसका चार्जिंग टाइम लिखा गया है 8 से 10 घंटे तक, और इसकी MRP है 549, लेकिन ये आपको ऑनलाइन 400 रुपये में मिल जाएगा Amazon के ऊपर। मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है मेड इन इंडिया, और 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है इस LED बल्ब के साथ। तो 400 रुपये में 2200 mAh की बैटरी और 9 W का ये LED बल्ब काफ़ी ज़बरदस्त है। क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। वैसे 200-250 रुपये में ऐसे LED बल्ब भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है वारंटी गारंटी वाले नहीं होते हैं, और मुश्किल से 2-3 महीने चलते हैं। इससे अच्छा आप इसी को परचेज करें। वैसे दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग अलग है। ये जो 200-250 वाला है, इसके अंदर एक स्विच आपको मिल जाती है, जिसको आप ऑटो मोड पे लगा सकते हो, मतलब पावर कट होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इस बल्ब के अंदर ऐसी कोई भी स्विच नहीं दी गई है, मतलब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको पूरी डिटेल अभी देने वाला हूँ। लेकिन हाँ, पावर कट हो जाने पर ये अपने आप नहीं जलता है, इसको स्विच ऑन करने पे ही आपको जलाना होगा। तो कैसे इसका काम है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे घर के अंदर पावर जो है वो ऑन है, और बल्ब की स्विच जो है ऑफ है, तो बल्ब भी ऑफ ही रहेगा। मैं इसको पहले ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये बल्ब जो है अपने फुल मोड पे ऑन होगा, मतलब अभी जो ये रोशनी दे रहा है वो 900 ल्यूमिनस की है, और इसके साथ जो है वो अपनी बैटरी भी चार्ज करता रहेगा। तो यहाँ पे पावर ऑन होगा उस वक्त ये अपने 900 ल्यूमिनस की रोशनी देगा, और साथ में अपनी बैटरी जो है वो भी चार्ज करता रहेगा। अब दोस्तों, मान लो यहाँ पे पावर कट हुआ है, तो वैसे में ये बल्ब जो है वो ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा। इसे चालू करने के लिए हमें स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो अभी ये जो रोशनी दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 400 ल्यूमिनस की रोशनी दे रहा है, क्योंकि हमारे घर के अंदर पावर कट है। अगर हमारे घर के अंदर पावर ऑन है तो ये अपने फुल मोड पे चलेगा, मतलब कि 900 ल्यूमिनस की रोशनी ये देगा, और जब हमारे घर में पावर कट होगा तब ये आधी रोशनी ही देगा, मतलब 400 ल्यूमिनस की ही रोशनी ये देगा। और इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हमें स्विच को भी ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह काम करता है ये इन्वर्टर LED बल्ब, और जिनके घरों के अंदर पावर कट बहुत कम होता है उनके लिए ये बल्ब जो है काफ़ी बेस्ट रहेगा। इन्वर्टर और बैटरी पे जो ज़्यादा खर्च होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 2-3 बल्ब लगा दीजिए, जिससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। और अगर मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।